पागलपन का ही पहचान है। राजनीति में वरिष्ठ लोगों का कदर आवश्यक है, ये कदर करना नहीं जानते, क्योंकि राजनीति में इन लोगों ने संघर्ष किया नहीं, आंदोलन किया नहीं, जेल राजनीतिक रूप से गए नहीं, ये लोग तो टपक के आ गए राजनीति में, कि वहाँ युवराजों का राज चल रहा है और गिरोह इन लोगों ने बना लिया है, जो पुराने समाजवादी नेता हैं वहाँ उनको अपमान ही मिल रहा है। रघुवंश बाबू का हालत आप लोगों ने देखा, किस तरह अपमानित किया गया, मृत्यु भी बेचारे के हो गया। जगदा बाबू बहुत भले आदमी हैं और उस व्यक्ति सीनियर, कितने सीनियर हैं, उस व्यक्ति के बारे में इस तरह बोलना, ये पागलपन का ही पहचान है। राजनीति में वरिष्ठ लोगों का कदर आवश्यक है, ये कदर करना नहीं जानते, गिरोह बनाकर रखे हैं, और यही कारण है कि पार्टी का हश्र और बुरा होने जा रहा है। राजद में इससे पहले कई घटनाएं हुए हैं इसी तरह से वरिष्ठ नेताओं को लेकर के? हाँ हाँ, कई लोगों को जो मैं पुराने कार्यकर्ता थे, पीटा लोगों ने, उसको गाली गलौज किया। राजनीति का परिभाषा मायने लोग नहीं जानते हैं, राजनीति बहुत आसान चीज़ नहीं है। ठीक है, पिताजी के बल पर राजनीति में आ गए, लेकिन राजनीति बहुत स्ट्रगल का चीज़ है और बहुत संघर्ष का चीज़ है। चूँकि राजनीति में इन लोगों ने संघर्ष किया नहीं, आंदोलन किया नहीं, जेल राजनीतिक रूप से गए नहीं, तो इन लोगों को क्या एहसास होगा कि राजनीति करने वाले को कितना कष्ट और तकलीफ झेलना पड़ता है। ये लोग तो टपक के आ गए राजनीति में, तो नहीं जानते हैं दुख तकलीफ। ये सच्चाई है कि मंत्रिमंडल का गठन करते समय मुख्यमंत्री को या कि कोई भी मुख्यमंत्री हो उसकी जानकारी नहीं होती है, लेकिन जो चुनाव के दरमियान नॉमिनेशन में जो दिए जाते हैं और राजनीति करने वाले, हर राजनीति करने वाले, सक्रिय राजनीति करने वालों को कहीं ना कहीं कुछ मुकदमा होते ही हैं, राजनीतिक रूप से द्वेषपूर्ण फंसाया जाता है और विरोधी द्वारा भी फंसाया जाता है। तो ये सब बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं कि मुझको जानकारी नहीं है कि कौन कौन दागी हैं, अगर दागी हैं तो लोग कार्रवाई करें उस पर। सब विपक्षी खेमा कहना कि विधानसभा का जो सत्र चलेगा वो हम चलने नहीं देंगे जब तक दागियों को इस्तीफा नहीं लेंगे। नहीं तो ये लोग जनता पीपुल के लिए नहीं ना है, भले ही 75 सीट आ गया हो, लेकिन विधानसभा इसीलिए चलता है ताकि पीपुल के समस्याओं को उजागर किया जा सके, सरकार पर नियंत्रण किया जा सके, इसीलिए विधानसभा चलता है। अब यह मालूम नहीं इनको है कि विधानसभा में बिहार के जो जनता की समस्या है उन समस्याओं को उजागर सरकार के पास कैसे करें, ये नहीं जानकारी है। साथ ही सरकार पर नियंत्रण, विधायिका नियंत्रण करता है सरकार पर, चाहे पोजीशन हो अपोजीशन हो, तो सरकार पर कैसे नियंत्रण करे और कैसे जनता के हित में निर्णय कराए, यह जानकारी इन लोगों को नहीं है। हंगामा करने से राज्य को नुकसान होगा, जनता का नुकसान होगा, तो ये इस तरह का बात करना बिल्कुल गैर राजनीतिक आचरण है। कोरोना टेस्टिंग को लेकर के भी कई आरोप लग रहे हैं, तो जाँच हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी, छोड़े नहीं जाएंगे। और एक बात बताता हूँ कि चाहे जितनी भी कोई भी घटना हो, मुख्यमंत्री के नोटिस में जब आता है तो मुख्यमंत्री बिल्कुल ही उस पर कार्रवाई करते हैं, कोई मरव्वत करने वाले आदमी नहीं है। इसमें भी कार्रवाई होगी।